हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स लर्न लॉ टुगेदर और आज की वीडियो में हम स्पेशल ली पटिशन के बारे में जानेंगे और इसके क्या कोविजन्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली जो ऑर्डिनरी वे क्या होता है अपील करने का तो ऑर्डिनरी वे जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी ऑर्डर है या फिर कोई भी जजमेंट है जो लोअर कोर्ट ने सुनाया है अगर आप उससे नाखुश हैं तो उस केस में आप हाई कोर्ट को अपील कर सकते हैं और अगर आप हाई कोर्ट के भी जजमेंट से नाखुश हैं देन उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं बट ये पॉसिबल नहीं होता है कि लोअर कोर्ट का कोई भी जजमेंट जिससे आप खुश नहीं हैं आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएँ तो जनरल तो यही है बट केस ऑफ स्पेशल ली पटिशन इसमें आप किसी भी कोर्ट के द्वारा कोई भी डिग्री पास करी गई होती है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं तो आइए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं तो आर्टिकल वन थर्टी सिक्स के अंदर दिया गया है स्पेशल ली पिटिशन के बारे में तो अभी क्या लिखा गया है वो पढ़ते हैं नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर The Supreme Court may in its discretion grant a special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed or made by any court or tribunal in the Territory of India. Whereas clause 2 may be nothing in clause 1 shall apply to any judgment, determination, sentence or order passed by or made by any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed forces. अब इसका मतलब क्या है जैसा मैंने पहले बताया था कि किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं लेकिन इसका क्लॉज टू एक एक्सेप्शन लगाता है कि जब आप किसी भी कोर्ट किसी भी ऑर्डर की बात करते हैं तो उसमें एक एक्सेप्शन लग जाता है आर्म्ड फोर्स वो सेंटेंस वो ऑर्डर वो जजमेंट जो आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड कोई लॉ है उसके द्वारा सुनाया गया है उस पर स्पेशल ली पटिशन हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम अपील नहीं कर सकते हैं मतलब उस ऑर्डर के अगेंस्ट उस डिग्री के अगेंस्ट हम स्पेशल लीव पटिशन क्लेम नहीं कर सकते हैं तो स्पेशल लीव पटिशन इतना स्पेशल है बट इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और आ, कुछ कंडीशंस भी हैं जैसे कि कंडीशन की हम बात करें तो सारे केसेस हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास लेके चले जाएं और कोर्ट वा, वा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा वाह वाह आइए ऐसा पॉसिबल नहीं है देखिए सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि क्या इस केस में कोई ग्रॉस इनजस्टिस हुआ है कोई बहुत अत्याचार बहुत बड़ा इनजस्टिस हुआ है या फिर ये भी देखेगा कि जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसमें इन्वॉल्व है क्या अगर ये दो फैक्टर ये दो एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस में सोच सकता है कि हाँ इसको हम स्पेशल लीव पटिशन के बारे में सोच सकता है ये मैं क्यों कह रही हूँ इस वजह से कह रही हूँ कि जो स्पेशल लीव पटिशन देने का अधिकार है वो इसके डिस्क्रिशन पावर में आता है मतलब ये है अगर कोर्ट की मर्जी हुई कि वो स्पेशल लीव पटिशन देना चाह रहे हैं तो वो अलाउ कर देंगे अदरवाइज वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं इन शॉर्ट ये पर्सन का राइट right नहीं है कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल लीव पटिशन अलाउ ही करना होगा ऐसा नहीं है ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो इस केस में स्पेशल लीव पटिशन जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं एस वो ग्रांट करता है कि नहीं करता है तो आर्टिकल वन थर्टी सिक्स जो है वो एक स्पेशल पावर देती है सुप्रीम कोर्ट को टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल ओके तो जैसा हमने पहले बता था कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है और वो रिस्ट्रिक्शंस के हैं चलिए इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि देखिये अब जो एस एल पी है स्पेशल ई पटिशन है वो उस केस में भी फाइल करी जा सकती है जब हाई कोर्ट जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट के लिए रिफ्यूज कर दें उस केस में भी आप एस फाइल कर सकते हैं और जब आप स्पेशली लीव पटिशन फाइल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि जितनी भी जरूरी फैक्ट्स हैं कि आपको स्पेशल लीव पटिशन क्यों ग्रांट करना चाहिए क्यों सुप्रीम कोर्ट आपके लिए स्पेशल लीव पटिशन ग्रांट करेगा वो नेसेसरी फैक्ट्स हैं वो वहां पे मेंशन करना ज़रूरी है और स्पेशल लीव पटिशन जो है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होते हैं उनके द्वारा साइन किया होना चाहिए और अगर हम अदर प्री रिक्विजिट्स की बात करें तो एक स्टेटमेंट भी होना चाहिए उसमें कि जो पटिश्नर है वो हाई कोर्ट के आ, हाई कोर्ट में किसी उसने कोई पटिशन नहीं डाल रखा हो तो ये भी एक प्री रिक्विजिट्स है ये रिस्ट्रिक्शन है या बोल सकते हैं आप कंडीशन है ठीक है एंड एफिडेविट बाई पटिशनर एंड प्लीडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ लोअर कोर्ट तो आज के लिए बस इतना ही और मैंने कोशिश करी है थोड़ी बेसिक्स में स्पेशली पटिशन के बारे में बता सकूँ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लोगों को शेयर कर सकते हैं आप तो शेयर करिए लाइक करिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे